मसीही ब्रादरी से इजहार यकजहती के लिए निगरान वजीर आजम का दौरा है जड़ावाला। अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि जड़ावाला वाकयात पर बहुत अफसोस हुआ। अकलियतों के तहफ्फुज की जिम्मेदारी हम सब की है। रियासत की कवानीन मजलूम के साथ हैं। कोई भी ग्रोह हमलावर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। अदलो इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। एक दूसरे के एहसास से ही मुआशरा कायम रहता है। ये सानिहा नफरत पर मबनी मर्ज की निशानदही करता है। इंतहा पसंदी का किसी मजहब जबान या फ़िरक़े से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन के मकासद को बखूबी समझते हैं। कल के बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी की खिदमात वापस कर दी। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम खत लिखा, वक़ार अहमद की खिदमात की मजीद ज़रूरत नहीं, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं। हुमैरा अहमद को सदर का सेक्रेटरी तैनात किया जाएगा। हुमैरा अहमद ग्रेड 22 की अफसर हैं। परवेज इलाही की रिहाई के खिलाफ हुकूमती अपील पर फैसला। लाहौर हाईकोर्ट के दो रुकनी बेंच ने हुकूमत पंजाब की अपील खारिज कर दी। जस्टिस वहीद खान की सरबराही में बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक वजीर आला को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का फैसला बहाल। डिवीजन बेंच ने परवेज इलाही को गिरफ्तार न करने के खिलाफ हुकूमती अपील मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क में पहली खसूसी अदालत का पहला फैसला। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा, 4 उजर जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। जज अबुल हसना जुल्कनैन ने फैसला महफूज सुनाया। FIA की 13 रोज की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, वकील अली बुखारी ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। साइफर के मामले पर FIA से तआवुन करने की यकीन दहानी। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौमे आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौमे आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामार। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। 76 वालों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।